विकास होने के बावजूद विकासशील देश की श्रेणी में क्यों है चीन? अमीर ताकतवर होने के बावजूद विकसित देश क्यों नहीं बन पाया चीन? जी हां, आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहां दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं। बावजूद इसके चीन अब तक विकासशील देशों की सूची में ही शामिल है। चीन को वही सुविधाएं और विशेषाधिकार हासिल हैं जो पापुआ न्यू गिनी और जिम्बाब्वे जैसे देशों को मिले हुए हैं। दरअसल विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में विकासशील या विकसित देश की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है और ना ही सदस्य देशों के लिए कोई मानक तय किए गए हैं। ये पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर करता है कि वो खुद को किस श्रेणी में रखना चाहता है। WTO संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित किए गए अल्प विकसित देशों को भी मान्यता देता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने हाई इनकम वाले देश या विकसित देशों की परिभाषा के लिए 12,055 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का पैमाना तय कर रखा है। चीन की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय साल 2017 में 8,690 अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ल्ड बैंक के पैमाने से थोड़ा कम है। इसी तरह चीन अपने विकासशील दर्जे का बचाव कर सकता है। अन्य देशों की बात करें तो साल 2017 में मलेशिया की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 9,650 डॉलर थी, जबकि रूस की प्रति व्यक्ति GNI 9,230 डॉलर ही थी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति GNI इसी वक्त में 1,830 डॉलर ही थी। हालांकि WTO में ये परिभाषा आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की गई है। इस संगठन में बढ़ती GDP या किसी अन्य पैमाने को लेकर भी कोई तय सीमा नहीं दी गई है। WTO के मुताबिक इसके 164 सदस्य देशों में से 2/3 देश खुद को विकासशील देश मानते हैं, जिनमें भारत और चीन भी शामिल है। WTO के नियमों के मुताबिक विकासशील देशों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं, जिसके तहत दुनिया भर में व्यापार के अवसर बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लंबा वक्त दिया जाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।